अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसमें कोई स्टूडेंट्स के बारे में बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या साइप्रस लाइफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बारे में आज की वीडियो है मेरी, एक व्लॉग है, उसमें मैं जाने लगा हूँ साइप्रस में। एक बहुत अच्छा मज़ार है हज़रत उमर के नाम से, वो मज़ार है बहुत अच्छी जगह पे है और समुंदर के बिल्कुल ऊपर ही है, समझ लें कि बहुत प्यारी लोकेशन है उसकी। आज मैं वहाँ जाने लगा हूँ, उस जगह को एक्सप्लोर करने लगा हूँ। इस टाइम बज रहे हैं सुबह के, टाइम तो काफ़ी ज़्यादा है, 12:30 बज रहे हैं। अभी मेरी आँख खुली है, तो आज मेरा प्लान था कि वहाँ जा कर थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आज मेरा ऑफ था, सैटरडे था, और बज रहे हैं 12:30। आप रेडी होते हैं और इस टाइम मेरी हालत देखें, अभी मैं बेड पे हूँ, फुल टाइम अभी उठाऊँ, यू कैन से अभी उठाऊँ, और अब उठ के तैयारी श्यारी करते हैं और निकलते हैं वहाँ पे। वहाँ पे जाके सलाम वगैरह करते हैं, दुआ मांगते हैं काफ़ी, और बाकी उसकी जो डिटेल्स है मैं आपको वहाँ जाके बताता हूँ। तो इट्स टाइम टू रेडी। इस टाइम मैं अब अपनी क्लोजअप करने लगा हूँ। पाकिस्तान से स्पेशल मैंने ये मंगवाई थी क्लोजअप टूथपेस्ट। अब मैं क्लोजअप टूथपेस्ट करूँगा और तैयारी करेंगे और निकलने की तैयारी करेंगे, क्योंकि मुझे रेडी होने में भी बहुत टाइम लग जाता है, घंटा दो समझ लेके लग जाता है, लेकिन आज घंटा नहीं लगाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका हुआ है। भाई का वेदर भी बहुत अच्छा है, तो चलें फ्रेश करते हैं, चेंज करते हैं और निकलते हैं। कपड़ों की सिलेक्शन करना, क्या पहनना क्या पहनना, ये भी एक बहुत बड़ा ना टेंशन होता है, और ऊपर से कपड़े भी ज़्यादा हों तो ये और टेंशन होती है। तो चलते हैं अपना, माशाल्लाह जो इतना प्यारा रखा हुआ है, इससे ज़रा सर्दी की वजह से हर चीज़ ठंडी हुई पड़ी है। अब कपड़ों की सिलेक्शन करें, ये भी एक बहुत मुश्किल काम है। आपको बताया ये कि कपड़े भी एक तो ज़्यादा होना बहुत बड़ा मसला होता है, कि क्या पहने क्या पहने क्या पहने क्या पहने। ये देखें, ये इतनी शर्टें हैं, अब इसमें से कौन सी पहनूं, कैसे पहनूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रही कि इनमें से कौन सी शर्ट पहनूं। जब समझ में कोई ना आए तो फिर एक ही शर्ट इंसान पहनता है, वही पहनता है जो वो डेली रूटीन में पहन रहा होता है। तो खैर, कोई समझ नहीं आ रही। तो बाहर मौसम भी काफ़ी, आज धूप है थोड़ी सी लेकिन ठंड है। चलो देखते हैं कौन सी सिलेक्ट होती है। चलो भाई आ जाओ बाहर। शर्ट तो ये हो गई सिलेक्ट, अब आती है बारी पेंटों की तरफ। पेंट कौन सी, पेंट कौन सी, पेंट कौन सी, पेंट कौन सी। कसम से इतने कपड़े होना भी अजाब है। तो ले जी, कपड़े तो सिलेक्शन हो गए, शर्ट ये है और इसके नीचे ये शर्ट पहनेंगे, और साथ जब कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो तब इंसान कहता है ब्लैक पैंट ब्लैक पैंट ब्लैक पैंट। तो चलें अब कपड़े चेंज करते हैं और बाकी काम देखते हैं बाद में। शर्ट को देख के ये मत सोचिएगा कि ये किसी बेड का छाड़ लग रहा है या किसी कंबल का या रज़ाई का छाड़ लग रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। ये यहाँ पे स्टाइल चल रहे हैं, लेटेस्ट स्टाइल चल रहे हैं, ट्रेंडिंग स्टाइल चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत फेमस ब्रांड है, यहाँ का इतनी महंगी शर्ट ली है, तो इसलिए ऐसा मत सोचिएगा।
नहीं जी, शर्ट और कपड़े तो पहन लिए मैंने, अब रह गए शूज़। शूज़ जो है ना बड़े इम्पोर्टेंट लिए हैं इस बार मैंने। देख के दिल खुश होगा आपका, तो चलें पहनते हैं आप शूज। तो ले जी, तैयारी तो हो गई है बिलाल भाई की फुल टाइम। आप निकलते हैं बाहर और जाके चलते हैं, आज एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा साइप्रस को। इस टाइम मैं पहुंच गया हूँ हज़रत उमर के मज़ार पे। इनकी हिस्ट्री मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको यहाँ का विज़िट करवाता हूँ, तो फिर आप लोग उसके अकॉर्डिंगली फिर देखें कि बड़ी खूबसूरत जगह है। बिल्कुल ही समंदर के साथ ही है ये। इस टाइम देखिए यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ कि मना है आगे जाना, यहाँ पे समुंदर की लहरें काफ़ी ज़्यादा तेज़ आती रहती हैं। इस टाइम आज बाय चांस मौसम भी बहुत ही अच्छा है, और मौसम के मद्देनज़र रखते हुए देखें अभी मैं लेके चलता हूँ आपको आगे। वो उनका मज़ार है, जो आपको वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है वो उनका मज़ार है। हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। इस टाइम मैं ज़रा अपनी प्राडो के पास चला जाऊँ, थोड़ी सी उसमें से चीज़ें पैकअप वगैरह करनी है। मैं आया हुआ हूँ इस टाइम अपने लैंड क्रूज़र पे, क्योंकि आप लोगों को शायद मैंने पता हो कि मुझे बाइक राइडिंग बहुत पसंद है। मैं हमेशा बाइक पे ही ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, गाड़ी मुझे वैसे भी नहीं आती। बहुत से फ्रेंड्स मुझे कहते हैं और देख के हंसते हैं कि बिलाल भाई आपको ड्राइविंग नहीं आती, तो बाकी मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे शौक भी नहीं है। तो वेदर बहुत अच्छा है, मैं ज़रा जैकेट उतार लूँ तो फिर आगे चलते हैं हम बाज़ार की तरफ, फिर मैं आपको सारा ओवरव्यू यहाँ का दिखाता हूँ, ठीक है। जैकेट तो मैंने उतार दी है, अब चलते हैं अंदर की तरफ और जाके अंदर मज़ार पे सलाम करते हैं, वज़ू करते हैं। वज़ू तो वैसे मैं घर से भी करके आया था, तो चले वहाँ जाके सलाम वगैरह करते हैं।